हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत डिमांड आई फिजिक्स के टॉपिक के लिए कि फिजिक्स के टॉपिक भी करवा दीजिए केमिस्ट्री के साथ साथ। तो हम फिजिक्स के टॉपिक शुरू करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे, एक तो वो जो बेसिक हैं और दूसरा जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी करंटली जो एग्ज़ाम चल रहा है वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर हम हरियाणा के एग्ज़ाम्स की बात करें जो आने वाले हैं, या यूपी पुलिस की बात करें उनका एग्ज़ाम जो है, तो उनके लिए हम टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक करेंगे। तो आपकी तैयारी देखिए, जो वीडियोज़ मैंने डाली हैं उनको साथ के साथ देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, होप सो। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम मैंने लिख रखा है भौतिक राशियां और उनके मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो अदिश राशि और दूसरी जो राशि होती है वो होती है सदिश राशि। एक क्या बताइए फ्रेंड्स, अदिश राशि, और दूसरी राशि कौन सी है? सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें इनकी डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले कि अदिश राशि क्या होती है, यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण की जरूरत हो, जिसमें परिमाण की जरूरत हो, यानी सोचने की एक रिजल्ट की जरूरत हो, परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत ना हो। देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा है अदिश, दिशा यानी जरूरत हो, उसके आगे लगा दिया ए, तो अदिश राशि जिसमें दिशा की जरूरत ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, और पेपर में क्वेश्चन भी किस तरीके से आता है, पेपर में चार ऑप्शन मिलते हैं हमें और वो हमसे पूछते हैं कि इनमें से ये बताइए अदिश राशि कौन सी है, यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, इनमें से ये बताइए सदिश राशि कौन सी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो देखिए अदिश राशि की अगर हम बात करें तो अदिश राशियाँ ऐसी जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समय, क्या समय को मापने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तापमान, क्या तापमान को मापने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। उसके बाद में विद्युत धारा, क्या करंट को मापने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती जी। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोल दूं आयतन यानी वॉल्यूम, क्या इसे मापने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं जी। चाल कि चाल अगर किसी चीज की मापते हैं, स्पीड अगर किसी चीज की मापते हैं तो नहीं पड़ती जी दिशा की जरूरत। आप गाड़ी को 50 किलोमीटर मर्जी जिस दिशा में चला लीजिए, वो गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करता है और किसी चीज पे, चाल पर, इन्वायरमेंटली इफेक्ट किसी भी चीज पे नहीं पड़ता। उसी तरीके से हम चाल की बात करें और मैं इसके एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कि किसी चीज का द्रव्यमान मापना है, ठीक है, द्रव्यमान मापना है, मास मापना है किसी चीज का, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से एक और घनत्व, डेंसिटी मापनी है किसी चीज की, तो क्या हमें किसी दिशा की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा समय, तापमान, विद्युत धारा, आयतन, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक और चीज कार्य, कार्य का पूछ लिया जाता है कि कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ट्रक जो है वो खड्डे में फंसा हुआ है, उसको हमने खड्डे से निकालना है। तो देखिएगा खड्डे से निकालना है, चाहे आप आगे से उसकी तरफ बल लगाइए, चाहे पीछे की तरफ से लगाइए, तो आप अपना काम तो कर रहे हो ना, तो उसमें दिशा की क्या जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी ना। तो इसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, जो कि क्या होता है? अदिश राशि होता है। कि आप काम कर रहे हो, चाहे आपको उसका रिजल्ट मिले चाहे रिजल्ट ना मिले, आप काम तो कर रहे हो, तो उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको आप याद रखिए, एग्जाम्पल ही इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे सदिश राशि की, तो ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत भी पड़े,
जिसमें परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत पड़े, दिशा की भी जरूरत पड़े, उन्हें क्या कहा जाता है, सदिश राशियां कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें एक एग्जांपल और एक ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और क्या ऐड करोगे, दूरी, डिस्टेंस, दूरी कितनी चली है, आप यहाँ से चले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापिस यहाँ आके रुक जाते हो, 5 किलोमीटर यहाँ चले, 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, यानी इस यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से चाहे आप मर्जी घूम के वहाँ आ जाइए, आप जितना घूमे हो वो आपकी दूरी होगी, उस पर दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ा, दिशा रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। किस में, ऐदिश राशियों में, तो दूरी पे दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी क्या है, एक ऐदिश राशि है। अब बात करेंगे हम सदिश राशि की, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े। अभी मैंने दूरी का एग्जांपल दिया आपको, किसमें, अदिश राशि में। अब यहाँ पे मैं बात करूँ विस्थापन की, तो विस्थापन यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विस्थापन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में, उनको डिफरेंस नहीं पता होता कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चले, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चले, और फिर हम गए सी पॉइंट पे, उसके बाद में हम गए डी पॉइंट पे, और इसके बाद हम वापस कहाँ पे आ गए, ए पे। यहाँ भी हमने 5 चला, ये भी 5 चला, ये भी 5 और ये भी 5। और अगर हमसे ये कोई पूछे कि आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो 5, 5, 10 और 5, 15 और 5, 20, तो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। लेकिन यही हमसे कोई पूछे कि आपका विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या बताएंगे, 0 बताएंगे, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पे हम वापिस आ चुके हैं, उसी दिशा में गए और वहीं उसी दिशा से उसी स्थान पर हम वापिस आ चुके हैं, तो हमारी जो विस्थापन बनेगा 0 किलोमीटर बनेगा। अब मैं इसको मिटा दूँ कि हम यहाँ से चले, यहाँ गए और यहाँ पे आके रुक गए, तो हमारी जो दूरी होगी वो 15 किलोमीटर की होगी, लेकिन विस्थापन जो रह जाएगा वो 5 किलोमीटर का रह जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की, यानी दो बिंदुओं के बीच में जो कम से कम दूरी होती है वो उसका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन में देखिए, अगर हम दिशा सही दिशा में नहीं चलेंगे तो हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट नहीं मिला, दिशा के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी मिलेगा, तो विस्थापन क्या होगी, ये सदिश राशि होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे चाल को हमने किस में काउंट किया था, सदिश राशि में काउंट किया था, वहीं अगर हमें वेलोसिटी को काउंट करना हो, वेलोसिटी को अगर हमें काउंट करना हो, वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, वेलोसिटी को अगर वेग, वेलोसिटी क्या होता है, वेग, वेग को हमें काउंट करना हो कि वेग हम क्या बताएंगे, विस्थापन तो ठीक है सदिश राशि है, वेग क्या होगा, तो वेग भी एक सदिश राशि होगी, क्योंकि जो स्पीड होती है, चाल होती है, उसको हमने अदिश में काउंट किया। अगर हम सीधा सीधा भी देखें तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय क्या होता है, क्या होता है भाई, दूरी बटा में समय क्या होती है, चाल होती है, तो दूरी बटा में समय चाल है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की यानी वेग की बात करते हैं, तो विस्थापन बटे में समय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेग होता है। तो विस्थापन को हमने किस में रख रखा है, सदिश राशि में रख रखा है, तो वेग को भी हम किस में रखेंगे, सदिश राशि में रखेंगे। और ये दोनों बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं कि जो वेग या परिमाण है, वेग या विस्थापन है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तब आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे फ्रेंड्स कि ये एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप अदिश राशि और सदिश राशि में ध्यान रखेंगे कि ये अदिश राशियां और ये सदिश राशियां हैं। अब हम करेंगे इनकी SI यूनिट कि इनका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि SI मात्रक चीज क्या होती है, SI यूनिट होता क्या है। तो SI मात्रक क्या होता है, देखिए S से होता है स्टैंडर्ड,
क्या होता है, स्टैंडर्ड आई से होता है इंटरनेशनल। तो कई लोगों को तो इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो और तो आपको बहुत सी ऐसे यूनिट की बहुत सारी फुल फॉर्म मिल जाएंगी, लेकिन आप ये ध्यान रख लोगे तो इतना ही होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो देखिएगा कि किसी भी चीज की एक ऐसी यूनिट जो सभी देशों में क्या हो, कॉमन हो, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि लंबाई की एसआई यूनिट मीटर है हमारे इंडिया में, तो अदर कंट्रीज में भी लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट जानेंगे। तो आप एक साइड में आप लोग क्या लिख लेंगे, एक साइड में लिखेंगे आप जो मात्रक है वो, ठीक है, और एक साइड में आप लिखेंगे कि होती, एक साइड में लिखेंगे राशि और दूसरी साइड में आप लिख लेंगे मात्रक। तो सबसे पहले हम जानते हैं लंबाई, तो लंबाई की क्या होती है भी, मीटर होती है। उसके बाद में समय की क्या होती है, सेकंड। समय की क्या होती है, सेकंड होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आयतन, आयतन की क्या होती है, वॉल्यूम को इंग्लिश में बोलते हैं आयतन को, आयतन की होती है घन मीटर। तो देखिए जब हम 10th या प्लस 1 क्लास में मैथ के सम निकालते थे तो हम लिखते थे मीटर क्यूब, जब आयतन निकालते थे, तो ये घन ही है, तो इसको क्या बोला, घन मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है बल। देखिए बल के नियम जितने भी हैं किसने दिए हैं, न्यूटन ने। तो बल की एसआई यूनिट भी क्या होती है फ्रेंड्स, न्यूटन होती है। बल की एसआई यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन। दाब यानी प्रेशर, दाब या दबाव, दाब होता है। आपसे पूछा जाए दाब का नियम किसने दिया था, तो दाब का नियम भी किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। तो दाब की एसआई यूनिट भी क्या होती है, पास्कल। ध्यान में रखिएगा, दाब का नियम किसने दिया, पास्कल ने। तो दाब की एसआई यूनिट भी क्या होती है फ्रेंड्स, पास्कल होती है। उसके बाद में चलिएगा ताप, तापमान या ताप, तापमान की एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, केल्विन होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट राशि पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सिंपल पूछी जा रही है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बाद में हम बात करेंगे आवेश। आवेश क्या होता है, चार्ज। और किसी भी चीज पे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आवेश पे जो आवेश किसी चीज का निकालते हैं हम, तो वो कूलम में निकालते हैं, या इसको बोलते हैं कूलम, कूलम या कूलम। उसके बाद में आवेश हो गया। नेक्स्ट हमारे से पूछा जाए विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो किसमें मापते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। उसके बाद में फ्रेंड्स आवर्ति, आवर्ति यानी इंग्लिश में बात करें तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। आवर्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। उसके बाद में आवर्ति का बिल्कुल उल्टा होता है तरंग धैर्य। अगर किसी चीज की आवर्ति ज्यादा होती है तो उसकी तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। वेवलेंथ, तरंग धैर्य, वेवलेंथ, तरंग धैर्य की एसआई यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है फ्रेंड्स, एंगस्ट्रॉम। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तरंग धैर्य की एसआई यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। इसको, ये जो साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको लैम्डा बोलते हैं। और तरंग धैर्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है खगोलीय दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किससे मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अगर हमसे मापेंगे हम, सूर्य भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है, इनके बीच की दूरी किस में मापी जाएगी, प्रकाश वर्ष में, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। उसके बाद में लेंस की अक्षमता, लेंस की अक्षमता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की अक्षमता किस में मापी जाती है फ्रेंड्स, डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्य, कार्य, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल।
उसके बाद में है उष्मा, उष्मा की ऐसा यूनिट होती है कैलोरी। देखिए ये ना बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि उष्मा की ऐसा यूनिट क्या है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कैलोरी आता है, लेकिन एक बार रियल में क्या है कि उष्मा की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल ही होती है। क्या होती है? जूल। एक होती है ऐसा यूनिट, वो जूल है, एक होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है इसका अर्थ? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सीजीएस सिस्टम कुछ अलग होता है किससे? एसआई सिस्टम से। तो सीजीएस में जो अगर हम उष्मा की बात करते हैं तो सीजीएस में इसकी एसआई सीजीएस यूनिट क्या होती है? उष्मा की कैलोरी होती है। लेकिन फिर भी आपके पेपर में आए कि उष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है तो आप कैलोरी बताएंगे, और आपसे पूछा जाए उष्मा की मात्रा किस उपकरण पे मापी जाती है, किस एपरेटस से उष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, तो उष्मा की मात्रा को फ्रेंड्स किस पे ज्ञात किया जाता है? कैलोरी मीटर से। किससे ज्ञात किया जाता है? कैलोरी मीटर से। और आपसे पूछा जाए कैलोरी मीटर किसका बना होता है, तो कैलोरी मीटर बना होता है तांबे का। कैलोरी मीटर से उष्मा की मात्रा मापते हैं, और कैलोरी मीटर बना होता है तांबे का। चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है उष्मा और विद्युत की, और चांदी के बाद होता है तांबा, इसीलिए तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तांबा भी विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक है। और चांदी का प्रयोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि चांदी क्या होती है? महंगी होती है। ठीक है, तो चलिएगा उष्मा की ऐसे यूनिट हो गई कैलोरी। नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति। शक्ति यानी पावर, ये बहुत बार बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है किसमें? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। शक्ति की ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वाट। शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए समुंदर की गहराई की ऐसा यूनिट, समुंदर की गहराई। देखिए समुंदर की गहराई की हम तो किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा यूनिट की, मात्रक की, लेकिन समुंदर की गहराई मापने का आपसे उपकरण पूछा जाए तो आप फैदोमीटर बताएंगे। क्या बताएंगे? फैदोमीटर। सोनार भी होता है, लेकिन सोनार अलग चीज है। समुंदर के नीचे पड़ी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र की गहराई मापने का उपकरण कौन सा है तो फैदोमीटर है। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण कौन सा है? फैदोमीटर है। फैदोमीटर से मापी जाती है। और लेकिन अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए तो इसी फैदोमीटर से बनी है फैदम। समुद्र की गहराई की ऐसा यूनिट होती है फैदम। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो उस टाइम आप पास्कल नहीं बताएंगे जो दाब की होती है, लेकिन वायुमंडलीय दाब की अलग होती है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं? बार। बार होती है जी। वायुमंडलीय दाब का उपकरण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इसी बैरोमीटर से क्या बना है? बार, जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक आधी और बची है जो इम्पोर्टेंट वाली, वो कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाए विभवांतर, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो देखिए ऐसा यूनिट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैंने ये कोई भी लोहे की छड़ ली है। क्या लिया है? लोहे की छड़। तो इसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ये कोई आयरन रोड है, लोहे की छड़ है, जिसका एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है? बी। इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। बीच के डिफरेंस को डी बोलेंगे। अब विभवांतर क्या कहता है कि इस पे जितना करंट चल रहा है और इस पे जितना करंट चल रहा है, इस एंड पे जितना करंट चल रहा है और इस एंड पे जितना करंट चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? विभवांतर होगा। और विभवांतर की ऐसा यूनिट मापते हैं वोल्ट से। याद रखिएगा विभवांतर की ऐसा यूनिट किससे मापी जाती है? वोल्ट से। विभवांतर क्या होता है? दो पोल के बीच में जितना करंट चल रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? विभवांतर होता है। तो देखिए ये जो थी वो इम्पोर्टेंट एक और रह गई, ध्वनि। ध्वनि की ऐसा यूनिट होती है डेसीबल। ध्वनि की ऐसा यूनिट क्या होती है? डेसीबल होती है। ध्वनि की ऐसा यूनिट डेसीबल होती है। तो देखिए ये जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो सारी की सारी मैंने आपको ऐसा यूनिट करवाई।
अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, ये करवाया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको फिर से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।